नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में मौजूद है। और जैसा कि मैं दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलता हूं कि संसार क्रांति के खास कार्यक्रम में और किसी न किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराता रहूंगा, तो आज इसी कड़ी में यदि हम करनाल के वार्ड नंबर 19 की बात करते हैं, करनाल के वार्ड नंबर 19 से सामाजिक कार्यकर्ता भी एवं बीजेपी नेता भी अनुराग सेठी। अनुराग सेठी जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका संसार क्रांति खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं सबसे पहले संसार क्रांति का धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने हर जगह जाकर और ये आवाज उठाने का बीड़ा उठाया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अनुराग जी, यदि हम बात करते हैं वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार बीजेपी है, आपने पता है, इससे पहले कांग्रेस भी रह चुकी है और इनेलो भी राज कर चुकी है। यदि ऐसे हम युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, युवा बेरोजगारी का मुद्दा जो ज्यों का तो बना हुआ है, तो ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे और क्या क्या आगामी योजनाएं रहेंगी, एक सामाजिक रूप से जो आपका नैतिक कर्तव्य है उसके आधार पर भी, और एक नेता और जो सामाजिक क्षेत्र में आपने आपके वार्ड में जो कार्य किया है उसके आधार पर? इस हमारी सरकार ने जी, मनोहर खट्टर जी की सरकार ने जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मनोहरलाल जी का, जिन्होंने अंदर हरियाणा के अंदर नौकरी देने के लिए पारदर्शी भूमिका निभाई। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मनोहरलाल जी के नेतृत्व में आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आज युवा बहुत खुश है, बहुत ही प्रभावशाली है जी, कि आज उन्होंने, मनोहरलाल जी ने बगैर इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म कर दिया और इतना इतना कुछ कर दिया युवाओं के लिए। युवा सोच नहीं सकता था जिस घर में उसको नौकरी मिलेगी, वो घर सोच नहीं सकता कि मेरे लड़के को नौकरी मिलेगी, मेरा लड़का DSP बनेगा, SDM बनेगा या क्लर्क बनेगा, सोच नहीं सकता था। पिछली सरकारों के अंदर लोग पैसे फार्म भरते थे और सरकारें फार्म के नाम पर पैसा चंदा इकट्ठा करती थी, और इस सरकार के अंदर पारदर्शी सरकार लाकर और युवाओं का रोजगार दिया और युवाओं का हौसला बढ़ाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। और तो अनुराग जी, जैसे बात करते हैं युवाओं की, आपने अभी बताया कि इस सरकार ने युवाओं को रोजगार भी दिया है, तो जानना चाहूँगा पहले तो जो बीजेपी पार्टी से आप जुड़े हैं, कितने समय पहले आप बीजेपी पार्टी से जुड़े थे? मेरा परिवार काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा हुआ है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माता जी तारावंती जी को नगर निगम चुनाव में टिकट दी और चुनाव लड़ा, और भारी मत मिले और लोगों का बहुत प्यार मिला जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है, मनोहरलाल जी पे पूरा विश्वास है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और मनोहरलाल जी पूरा सेवा का मौका देंगे। और भारतीय जनता पार्टी से का छोटा सा सिपाही हूँ, बिल्कुल नेता नहीं हूँ। नेता तो कहना एक बहुत बड़ा गलत होगा, बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को नेता नहीं और देश का चौकीदार और देश का सेवादार कहता हूँ। मैं आपका सेवादार हूँ, मैं अपने आप को नेता कैसे कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, नेता नहीं हूँ मैं, आपका तो सेवादार के रूप में आपके पास आया हूँ, इस सेवादार को भूल करें। यदि अनुराग सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी यदि आपको कोई बड़ा पद देती है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए? भारतीय जनता पार्टी जो भी स्वयं जिम्मेवारी देगी, उसको ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करूंगा। मैंने अपने परिवार से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी सीखा है, मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है जी, से सीखा है, जो भी आपको मिले और उसको ईमानदारी से अपने कर्तव्य समझ के अपना अपना कर्तव्य पूरा करें, किसी लोभ लालच में आकर काम ना पूरा करें। बिल्कुल। यदि अनुराग जी बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, हरियाणा में यदि विधानसभा जो पार्टियों की बात करते हैं, इनेलो पार्टी के अंदर यदि फिलहाल की बात करते हैं, इनसो को लेकर के, इनसो के जो अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला, उनको अपने पता निलंबित किया है अभी। इनसो की जो आपस में, इनसो की और इनेलो को अभय चौटाला यदि दुष्यंत की बात करते हैं, आपस में परिवारवाद, चाचा भतीजा जो झगड़ा चला हुआ है, तो ऐसे में राजनीति में क्या असर दिखाई देगा 2019 के चुनाव को लेकर के? आपसी जो इनेलो पार्टी की आपस की फूट है, क्या इसका फायदा उठा पाएगी बीजेपी या अन्य को कांग्रेस पार्टी है, क्या उठ पाएगा ऐसे में लाभ? ऐसा है भाई, इनेलो पार्टी के बारे में क्या कहूँ, बिल्कुल जब मैं इनेलो पार्टी का नाम लेता हूँ मुझे को तो एक हंसी सा और जोक सा आता है। इनेलो पार्टी तो एक परिवारवाद की पार्टी है, पहले ओम प्रकाश